जैन बच्चों, कोऑर्डिनेट चैप्टर में अब आगे आप लोग को पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब बताया जा रहा है। क्लास 10th है ना, डॉक्टर केसी सिन्हा, 7.2 क्वेश्चन नंबर 11 है आपने पूछा, उसमें लिख रहा है 11 में दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप पर है। कहता है यदि बिंदु एक्स कॉमा वाई, एगो बिंदु है जिसको भुज एक्स दे दिया और कोटि बाई दे दिया, बिंदुओं मतलब एगो से ज्यादा होगा तो एगो ही दिल के, एगो ही दिल के, ये दोनों से ई जो है सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है ई, ये दोनों से। तो ऐसे होते इधर लिख देवे 2 और 3, आ इधर लिख देवे 6 माइनस 1, और बीच में दे देवे एक करा एक्स और बाई के, तो ई दूरिया ए बी सी, ई दूरी आई दूरी बराबर कर देवे, ई दूरी एक बार निकाल देवे, एक बार ई दूरी निकाल देवे, बराबर हल हो जीते। तो कहता है एक्स और बाई में संबंध लिखे, लिनियर इक्वेशन में आपने पढ़े थे एक्स प्लस बाई बराबर 5, एक्स माइनस फलना चिल्ला ढकना इत्यादि, तो उसी फॉर्म में लाना है, चाहे प्लस में आवे माइनस में आवे बराबर 6 आवे 9 आवे 3 आवे 2 आवे, उससे मतलब नहीं, इस रूप में लाना है, यही इसका रिलेशन कहलाएगा। यही आपका दूसरा में भी है सेम चीज। तो देखिए ई बिंदु से ई जो है सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो आपको एक बार दूरी निकालना पड़ेगा ए बी और एक बार बी सी। डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट तो देखिए कैसे, या छोड़िए भाई आप लोग डायरेक्ट में डायरेक्ट हो जाते हैं। चलिए आप यहां पहले लिखेंगे दूरी सूत्र, और यहां लिखेंगे ए बी, और यहां लिखेंगे सूत्रवा, यहाँ एक्स वन घटा एक्स टू के होल स्क्वायर और बाई वन घटा बाई टू के होल स्क्वायर, है ने। चलिए एगो ई है एगो ऊ है, चलिए तो एक्स घटा 2 के स्क्वायर और बाई घटा 3 के स्क्वायर, इसका आगे बाबू अबरी अबरी निकाल लो बी सी, तो सूत्रवा तो वही रहेगा बाबू, सूत्रवा तो वही रहेगा, खाली मान बदल जाएगा, एक्स में ई घटेगा अबरी जुटेगा, है ने, एक्स घटा 6 के स्क्वायर और बाई प्लस 1 के स्क्वायर, दोनों दूरी आ गया बाहू। अब प्रश्न कह रहा है बाहू, प्रश्न से प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी, ये कौची कहल गए सम दूरस्थ है, क्या है सम दूरस्थ है, जब दो दूरी का मान बराबर हो जाए तो उन दोनों दूरी के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को ही समदूरस्थ कहा जाता है। अब ए बी का वैल्यू यहां से दे देंगे, ए बी के वैल्यू यहां से दे देंगे एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर और प्लस बाई प्लस माइनस 3 के स्क्वायर, बड़ा लिख रहे हैं ठीक है, बाई माइनस 3 के होल स्क्वायर, और बराबर में भाई यदि एक्स प्लस माइनस बाहू सॉरी एक्स माइनस 6 के होल स्क्वायर और प्लस बाई प्लस 1 के होल स्क्वायर, हम बोल रहे थे जो डायरेक्ट ये जस्ट लिख देते, डायरेक्ट लिख देते प्रश्न से समदूरस्थ इतना, तो 1 2 3 लाइन बची जीते 4 लाइन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी रूट से रूट खत्म हो जीता है तो यहां लिख के खत्म करो तब ठीक रहता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों खत्म हो जीता है, बेस चलो एकदम मिला मिला के चिकना दो उधर के, एकदम एक्स माइनस 6 के स्क्वायर और बाई प्लस 1 के स्क्वायर नहीं दिख रहा है, चलिए भाई दिन अंधी हुआ है। चलिए यहां पर सूत्र लगेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, समझ में आ रही बात धक धका करके, यह देखिए एक लाइन चल देते हैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है नहीं, बड़ा बड़ा लिखा गया विद्यार्थी जी, जगह नहीं है, जगह मिलने पर पास मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह बाई बी की जगह 3,
अब बराबर है ने, इधर भी वही हाल है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कितनो करेंगे तो नहीं हुआ, बाउंड्रिया पार हो गया, पाकिस्तान देने चल गया है टू ए बी। चलिए देखिए अब इसको एक स्क्वायर की जगह पर देखिए गलती आ रहा है, चलिए यह देखिए छोगा बहुत बढ़िया। चलिए अख या एक स्क्वायर, इधर एक स्क्वायर बराबर में बराबर संपत्ति गोल ई, अब इधर बाई स्क्वायर, इधर भी बाई स्क्वायर गोल, इधर दो के स्क्वायर हो जाएगा चार प्लस प्लस नहीं माइनस है भाई वाह माइनस चार एक्स दुदुनी चार एक्स प्लस नो माइनस छो बाई बराबर छ के वर्ग छत्तीस माइनस छो दुनिया बारह एक का वर्ग एक प्लस दुबाई दुगुने बाई। देख लिया सब प्लस वाला को एक तर लाओ भाई, ई हो जाएगा छो दुनी बारह एक्स बारह एक्स। ठीक है फिर से देख लीजिए ई दू का वर्ग चार ठीक है चार एक्स ई भी ठीक है तीन का वर्ग नौ ठीक है और तीन दुनी छो बाई ठीक है छ का वर्ग छत्तीस ठीक है छो दुनी बारह एक्स ठीक है और एक का वर्ग एक ठीक है दो बाई ठीक है सब ठीक है और ये चार एक्स इधर आते प्लस बारह एक्स माइनस में छो बाई माइनस में दो बाई छत्तीस एक सैतीस और घटा देंगे ये दोनों नौ चार तेरह तो ई हो गया इसमें ही घटेगा आठ एक्स इसमें ही जुटेगा तो माइनस आठ वाई और इसमें ही घटेगा तो ई हो गया पांच सॉरी चार बाहू चार सात में से तीन गईल तो हो गया कितना इसमें ही दो। चलिए भाई ये बोलिए तो आठ कॉमन एक्स माइनस चौबीस गुणी में भाग जीते आग लेते आंसर भाई और की आठ त्रिका चौबीस एक्स माइनस वाई बराबर तीन आंसर जिंदाबाद। संबंध आ गया समीकरण आ गया इसी प्रकार से आपका इसका दूसरा है अस्थाई से हल कीजिए। इस तरीका तो मैं क्वेश्चन बताया भाई समदुरस्त टॉपिक बदल जाने से उसका जो क्वेश्चन का बोल बदल जाने से वो टॉपिक नहीं बदलता ये सब टॉपिक पर मैंने बताया है ना। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पूछा बता दिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ए का नियामक और बी का नियामक देल है सुन लो ने को मिलाने वाली रेखा खंड ये एक रेखा खंड है जैसे ये टुकड़ा है रेखा खंड है सुन लो ने रेखा के टुकड़ा को रेखा खंड कहते हैं और कहता है मूल बिंदु पर समकोण बनाता है तो मूल बिंदु कब होता है जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटती है तो वो मूल बिंदु कहलाता तो ये जा तो समकोण बनवे करो भाई समकोण। अब ई रेखवा को कहता है समकोण समकोण कब होगा जब यहाँ चल जाएगा या यहाँ चल आएगा या यहाँ चल जाएगा या यहाँ चल जाएगा तो कहीं से भी इसको गुजार देंगे ई रेखवा के चल चल बोलते बोलते कहीं भी उससे मतलब तो एक दिन ए लिख दीजिएगा एक दिन बी लिख दीजिएगा बाकी दिन मिटा दीजिएगा कोई मतलब नहीं समकोण त्रिभुज बन गया। ए का नियामक दे ले भैया ए और बी और एकरो नियामक दे ले भैया सी डी और बताए थे एकरो नियामक आप जानबे करते हैं तो ये गो त्रिभुज बन गए और वो भी कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्योंकि खुद का राय समकोण बनाता है तो समकोण तो कर्ण हो ही तो ना भाई कर्ण नब्बे के सामने कर्ण और बाकी तो नहीं मालूम है। चलिए तीनों भुजा निकाल लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय पर लगा देंगे सिद्ध हो जाएगा
ये दूरी सोल्यूशन घींच दो एकदम तड़ातड़ तड़ातड़ घींच देंगे। पहले दूरी निकाल लो, कौन बाबू ए बी दूरी निकाल लो, ए बी कोई भी निकाल सकते ऐसा कोई बात नहीं। चलिए ए बी दूरी निकालते हैं तो ई घटा ई हो जाएगा, यानी अंडर रूट, सूत्र नहीं लगा रहे हैं, अच्छा लगाते एक बार, एक्स टू का वर्ग वाई टू घटा वाई वन का वर्ग, सॉरी ये वन टू आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि वर्ग है, मैंने उस थ्योरी में भी सिद्ध करने के समय बताए थे, पहला में पहला घटेगा a माइनस सी के स्क्वायर होगा, दूसरा में दूसरा घटेगा b माइनस डी के स्क्वायर होगा, इसका काम तमाम हो गया। चलिए अब निकालिए भाई भाई, इसको कुछ मान लीजिए c, ac निकाल लीजिए, ac ac दूरी निकाल लीजिए, तो अब बार बार सूत्र नहीं निकालेंगे, अगला में पगला या अगला में पगला, आपको बताए थे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो जे जिंदाबाद रहेगा ओकरे वर्ग कर देंगे, है ने, ये जे बचला उसी को थूक देंगे, ये तो थूक चाले है, ये तो खत्म हो रही है, तो ये है ना बचला है तो एकरे वर्ग कर देंगे, इधर ला जब निकालेंगे तो एकरे वर्ग कर देंगे। तो बोलो भाई वाह कि किसका किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप सूत्र पर बैठाओगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा भाई, और यदि बी सी वाला को निकालिएगा भाई वाह तो आपको ऐसे आएगा सी घटाओ जीरो के स्क्वायर, और ये आएगा डी घटाओ जीरो के स्क्वायर, समझ रहे बात को, आ गया। अब यहां लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के आधार के स्क्वायर, नहीं बाबू कर्ण हो गए एक एवी के स्क्वायर और ई दोनों एसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर, एबी के जगह मान दे देला कितना, तो अंडर रूट ए घटाओ सी के होल स्क्वायर और बी घटाओ डी के होल स्क्वायर, है ने पूरे पर स्क्वायर, थोड़ा और नीचे लिखेंगे भाई आगे जाम हो गई, तो यहां हो जाएगा ए घटाओ सी के स्क्वायर और बी घटाओ डी के स्क्वायर, है ने कर्ण ए बी ले बाबू एक पर स्क्वायर है, चढ़ जा तू भी, यह देखो अब एसी एसी आ जा तू भी मैदान में, है ने ए घटाओ जीरो के होल स्क्वायर और बी घटाओ जीरो के होल स्क्वायर, है ने एक पर चढ़थिन और इधर से एक पर सी घटाओ जीरो के होल स्क्वायर और डी घटाओ जीरो के होल स्क्वायर, है ने और देखो हमारा पर जगह नहीं है तो ऊपरे में दे दिए, आपका समझना काम है भाई, है ने तो चलिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये एजाज बच जाएगा ए माइनस ए माइनस सी या बी माइनस डी के स्क्वायर स्क्वायर, ए माइनस सी के इधर होल स्क्वायर आई बी माइनस डी के होल स्क्वायर, इधर से बन जाएगा ए माइनस जीरो के होल स्क्वायर, इधर से बन जाएगा बी माइनस जीरो के होल स्क्वायर, इधर से बच जाएगा सी माइनस जीरो के होल स्क्वायर और ई बच जाएगा डी माइनस जीरो के होल स्क्वायर। सब लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं शॉर्ट शॉर्ट, हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं लॉन्ग लॉन्ग, बताइए किस्मत है ना हम लोग कह रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर बी माइनस डी के स्क्वायर, कल हम दिल के किस्मत हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, यहां से बउआ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू बी डी, इधर तो सभे हुई थी गोल का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर जीरो तो सफा जा बसंती ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर आई डी स्क्वायर हो गेल, तो इधर बच गेल क्या ची माइनस टू ए सी माइनस टू बी डी, उधर नहीं कुछ तो कौची बचल जीरो, देखो एसी को बी डी को माइनस दू कॉमन ले ला माइनस दू तो एसी प्लस बी डी बराबर जीरो गुणा में उधर भागा में तो एसी प्लस बी डी बराबर जीरो प्रूव हो गया, समझ गया आ गया है आपको, इस बात को याद रहे विद्यार्थी, जगह कम था नहीं तो भागा दे देते, आप लोग ऐसे भी ले लीजिएगा भागा, है ने
देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, प्रश्न को सुन लीजिए। बोला कि एक रेखा खंड है जो मूल बिंदु पर समकोण बना रहा था, मूल बिंदु ऐसे ऐसे गुजरते बाबू। अभी हम पूरा रेखा बनाया ऐसे, तो मूल बिंदु ये, तो रेखा ऐसे रखिएगा चाहे ऐसे रखिएगा चाहे कैसे रखिएगा, जो मन ऐसे रखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थी पाद किसी में बनाइएगा, क्योंकि फिर तो आकर के वर्ग न हो जाए, सब प्लस हो जीते। इसलिए आप कहीं भी फिगर बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। और तीनों दूरी निकाल लीजिए, एक बार कर्ण के, एक बार लंब के, एक बार आधार के। अब पाइथागोरस प्रमेय पर कचकचा के बैठा दीजिए, हल कर दीजिए, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने का मतलब अगुआ में अंसरवा दे ले, ओकरे से मिला देना है। अगुआ में अंसरवा आंसर निकाल को है तो पिछुआ में अंसरवा दे ले, ओकरा मिलाना, तब अगुआ वाला अच्छा ना है। ये नजर के सामने जिगर के पास ने हो, इसको तो मिलाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम देखते जाना है कि तेरे मेरे चेहरा मिल रहा है कि ना मिल रहा है, तो प्रूव्ड हो गया, समझ गए? ठीक है, चलिए धक धका करके इसको जरा स्क्रीन शॉट लीजिए। तो देखो ये 19 नंबर क्वेश्चन अलग है, ब्रीत से है, लेकिन इस टाइप पर आपने क्वेश्चन बना चुके हैं। ब्रीत है उससे क्या मतलब है, ब्रीत रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, आपको ये समझना है कि दूरी सूत्र यदि हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए एक चीज होता है कि यदि हम लोग पूरा सेट किताब को बनाते हैं तो पता नहीं चलता है, इसको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे बनाना है। लेकिन यदि ये चैप्टर का बात चल रहा है तो दूरी चैप्टर है, तो जरूर ऐसा होगा कि कुछ भी निकालना रहेगा तो दूरी का इस्तेमाल होगा ही होगा। कहता है एक वृत्त का केंद्र, एगो वृत्त है तो ये केंद्र यहां, सेंटर यहां होगा, और इस सेंटर का नियामक देल है, सेंटर का नियामक देल है वह 2x-1, 3x+1, बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, और त्रिज्या 10। चलिए भाई वृत्त से केंद्र से, केंद्र है परिधि कहलाता है, इसकी जो दूरी होती है वो त्रिज्या होता है, समझ लो त्रिज्या होता है, त्रिज्या। तो ये 10 इकाई है। यदि वृत्त की बिंदु, यानी वृत्त की बिंदु ई हो गए, ई जहां से वृत्त गुजर रही थी, तो ये -3 और -1 देल है, से होकर वृत्त गुजरती है तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल है, ये वृत्त रहे चाहे हिरित रहे, आपको जो आपने पूछा था अगले वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन, तो वही तो है, ई बिंदु और ई बिंदु और ई दूरी का उपयोग करके बना देंगे, तो ई एक क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर बोलता है, बनाने में डर लगता है, बकलोला है और कहता है यस सर, है ने? तो ये दूरी सूत्र आप लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र आपको एओ हो जाएगा, एओ हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे x1 x2 के होल स्क्वायर y1 y2 के होल स्क्वायर, दूरी की जगह मान दे देंगे 10 के स्क्वायर x1, ये इसमें जाके जुट जाएगा, क्योंकि माइनस ने बाहू ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा, तो ई हो जाएगा बाहू 2x-1+3 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाहू 3x+1 और जोड़े 1 के स्क्वायर। ये प्लस रहता तो घटा होता, क्योंकि सूत्र होता है माइनस में बाबू, तो 10 का वर्ग हो गया 100 और ये हो गया 2x+2 के स्क्वायर। देखो इसमें घटेगा तो 2, अब प्लस इस बोलो 3x+2 के होल स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे तो, सॉरी मैंने गलती कर दिया बहादुर जी, यहाँ गलती है ने, ये 10 है गलती है, 10 है। फिर से देखिए ये हो गया, सूत्र हो गया, दूरी दे ले 10 दे ले बाबू, है ने? तो ये हो गया, इतना हो गए x1, ये हो गए x2, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, इतना हो ले बाबू y1, और ये हले माइनस में तो ये थे प्लस में। अब 3 में 1 घटेगा 2 और 1 1 जुटेगा, तो अभी रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर होगा, तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, या लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, ए के स्क्वायर, बी के स्क्वायर, 2ab, एक जगह ही वह बतिया जा, ए के स्क्वायर, बी के स्क्वायर, 2ab,
दस के स्क्वायर 100 भाई, ई चार एक्स स्क्वायर और ई चार दुनी चार दुनी 8x है ने, अब प्लस बहुदरा 9x स्क्वायर और ई चार और प्लस दो तीन दुनी छो दुनी 12 12x देख लिया होगा। इस 100 सबको जोड़ जा दो, 4 9 13 13x स्क्वायर 12 8 20x 20x और ई दोनों जुटेगा बाबू ई दोनों, तो ये होते कितना 8 है ने। अब इसको उधर ले जाएंगे द्विघात पर सजा देंगे, तो बोलो तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 20x और ई हो जाएगा प्लस 8 माइनस 100 एक देने बचेगा 0 है ने बहादुर। ई हो जाएगा आगे लिखिएगा तो 13x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 92 बराबर। तो अब आ गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पर हल करेंगे बाबू है ने, द्विघात समीकरण पर हल करेंगे। आप लोग इसको अब बना लेंगे, यस देखिए भाई ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए भाई आप लोग बोल रहे हैं सर नहीं गुणनखंड हो रहा है, देखिए भाई आपको बताए थे अगला गुने पिछला जोड़ घटा बिचला, तो इसको इसको गुना करो, गुना करने के बाद गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद आप 46 और 26 में तोड़िए तो घटाइएगा तो 20 बचेगा ने, आए गुणन हो गुणनखंड कर दे वाह बारे जोगीरा सारा रारा। तो 46x माइनस 26x माइनस 92 बराबर 0, तो 13x ले लेंगे कॉमन, x ले लेंगे कॉमन, तो यहां से आ जाएगा बाबू 13x और प्लस 46 माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, 13x माइनस माइनस प्लस 46 बराबर 0, तो 13x प्लस 46 आई बहुआ एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो 13x प्लस 46 बराबर 0, तो ये हो गया 13x बराबर माइनस 46 और x बराबर माइनस 46 बटे 13 और ये हो गया एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 2 आंसर आ गया बाबू, बन गया। आप लोग इस तरह से आगे बनाते रहिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थी आप लोग को 20 में दो क्वेश्चन दिया हुआ, बल्कि ये 20 में नहीं बल्कि इस तरीका से आपको 26 तक थ्योरी को याद कीजिए, लिखाया गया है कि नियामक के प्रयोग करके निम्नलिखित को कैसे सिद्ध किया जाएगा, वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, वही सही क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि बिंदु ये सब जो है एक वर्ग है एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए रूल बताए थे विद्यार्थी जी कि सभी भुजा समान और विकर्ण आपस में समान, तो इसका दूरी नियामक पहले लिख देंगे 4.3 6.4 लगातार लिखते जाएंगे भाई वाह है ने, और इधर 3.5 लगातार लिखे, आप यहां से उठाए तो ऐसे भी आ सकते थे ऐसे भी आ सकते थे, इन्हें की एगो इधर है एगो इधर एगो उधर, वैसे ना आपको क्लॉक वाइज चलना है चाहे एंटी क्लॉक वाइज चलना है, जहां से नीचे चलना है या ऊपर से चलना है, कहीं से भी शुरू करें। अब देखिए ये दोनों से ही दूरी निकाल लेंगे, ये दोनों से ही दूरी, दोनों से ही दूरी, दोनों से ही दूरी हो जाएगा, ये दोनों से विकर्ण और ये दोनों से ई विकर्ण, ये तीनों आप ये और ये और ये और ये बराबर आना चाहिए, और इसमें ई पूरा दूरी और इसमें ई पूरा दूरी बराबर आना चाहिए, तब क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में लिखा है चारों भुजा समान एवं विकर्ण आपस में समान, तो वर्ग कहलाएगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं बहादुर, सिंपल है सब इसी प्रकार से,
कोई वर्ग कहेगा, कोई आयत कहेगा, तो उसका प्रॉपर्टी देख लीजिएगा कि नियामक से सिद्ध करने के लिए प्रॉपर्टी क्या बताया गया है, उस प्रॉपर्टी को लागू करेंगे तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा जो भी प्रश्न है। समझ गया होगा, कुछ नाम ठेकानी दे दीजिए, ऐसे कहने पर अंधरा बहरा इन लोग पटाइएगा। देखिए नाम दे दिया ABCD है ना, मैथ के साथ ABCD भी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी ऐसा नहीं लिखता है कंपनी वाले, 100 ग्राम के साथ 25 ग्राम फ्री, तो ये मैथ के साथ ABCD फ्री। देखो इधर, यहां अब हम लोग ए बी दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाते, ऐसे ही लंबा हो जाएगा दूरी सूत्र, तो इतना पढ़ते 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 जो आ गया दिमाग है ने, तो अगला में अगला घटा दो, कोई अगला में कोई दिक्कत नहीं, कोई में छो में चार, छो घटाओ चार घटाओ छो, कोई दिक्कत नहीं, छो घटाओ चार के स्क्वायर, ये को लिख देते सूत्र वा एक्स वन घटा एक्स टू के होल स्क्वायर, अब वाई वन घटा वाई टू के होल स्क्वायर, अब क्या करोम ने अगला छ घटा चार के होल स्क्वायर, अरे नहीं लिखा रहा है, छ घटा चार के स्क्वायर और चार घटा तीन के स्क्वायर, कोई रहे अगला पिछला पिछला अगला जे बड़का रहे दोनों प्लस है, सब प्लस है, बड़का में बड़का घटा दे, बड़का में छोटका घटा देना और अगला मगला घटाना, पिछला पिछला घटाना, बोल बाहु दू के स्क्वायर एक के स्क्वायर हो गए चार, ई हो गए एक है बाहु, तो अंडर रूट ले पांच, कोई दिक्कत। अब निकाल लेते हैं बी सी, बी सी बोलो ये दोनों बड़ा, चलिए बोलो ये दोनों बड़ा, चलिए यहां से क्या आ जाएगा बाहु एक, यहां से क्या आ जाएगा बाहु दू, तो देखो एक का वर्ग और दो का वर्ग डायरेक्ट मारो हजाक सवर रूट पांच, कोई दिक्कत नहीं। यह देखो अब हम लोग सीढ़ी निकाल लो भाई सीढ़ी, चलिए एकरा में एकरा घटाओ पांच घटाओ तीन के स्क्वायर और बउआ छ घटाओ पांच के स्क्वायर, ये बउआ ये दो के स्क्वायर है ये एक के स्क्वायर, हजाक दबर मारिए पांच रूट पांच, चलिए अब आ जाइए बउआ एडी, एडी बराबर अंडर रूट, ये बड़ा छोटा कौन है तो ये चार घटाओ तीन के स्क्वायर और प्लस पांच घटाओ तीन के स्क्वायर, ये बउआ ये एक के स्क्वायर दो के स्क्वायर, इसको भी कितना आएगा रूट पांच आएगा। देखिए आपके सामने कर दिए रूट दो के चार एक के एक दोनों जोड़ के पांच, तो फिर हजाक दबर नहीं चल जाएंगे, दूरी आ गया चारों दूरी बराबर आ रहा है, तो चारों दूरी बराबर सम चतुर्भुज के भीतर होता है, लेकिन दोनों में अंतर की होता है, इसमें विकर्ण समान होता है उसमें विकर्ण असमान होता है। अब विकर्ण में विकर्ण यह लो कौची बाहू भुजा हलो, यह लो भुजा में कौची हलो बाहू भुजा, इधर सब भुजा चल रहा था, अब विकर्ण एक का नाम है बीड़ी अंडर रूट बड़का में छोटका घटा दो, ये अलग होना चाहिए समान, छोटका बड़का कौन है बाबू, चलिए ये आ जाएगा आपके बीच कितना तीन के स्क्वायर, ये आ जाएगा एक के स्क्वायर, ये आ जाएगा बाबू तीन का वर्ग नौ ये एक का वर्ग, तो ये आ गया रूट ओवर कितना बाबू दस, चलिए एक गुना और देख लीजिए बाबू AC भाई लंबा हो तो की करिए बोल, लेकिन कहीं पर दम नहीं है, पांच घटाओ चार, पांच घटाओ चार के स्क्वायर, जरी सोच बूझ करके पांच घटाओ चार के स्क्वायर प्लस ये बोलो छ घटाओ तीन के स्क्वायर, ये एक के स्क्वायर है तीन के स्क्वायर, ये वही चीज भाई थे रूट दस, देखिए बाबू अब देखिए भुजा रूट पांच, ये एल कितना बाहू रूट पांच, ये ले कितना बाहू रूट पांच, ये ले कितना बाहू रूट पांच, ये ले कितना रूट पांच, तो चारों भुजा समान और दोनों विकर्ण, ये ले कितना बाहू तो रूट दस, ये ले कितना बाहू तो रूट दस, तो ई विकर्ण भी रूट दस और ई विकर्ण भी रूट दस, तो जिस चतुर्भुज में सभी भुजा आपस में समान और विकर्ण दोनों आपस में समान हो
तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है। यह दूरी सूत्र को प्रयोग कर करके हम लोग सिद्ध किए हैं, समझ गया है। तो कहता है सिद्ध करे, तो आप यहां पर स्पष्ट में लिख देना है कि ए बी सी डी वर्ग सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। वर्ग के जो नियामक संबंध था, जो गुण था, प्रॉपर्टी तो जो था, वो ये पालन किया चतुर्भुज, इसलिए भी सीढ़ी क्या है वर्ग। इस प्रकार से 26-27 तक बन जाएगा। इसमें लगभग हम मेरे जनिस से सब आप लोगों को खत्म हो जाएगा। आप आके बना करके देखिएगा। कल हम अगला चैप्टर का अगला वीडियो में अगला चैप्टर में अगला वीडियो में विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, जो जानना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए इसको बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिएगा, और फिर हम आपको आगे वीडियो जो देंगे सेक्शन फॉर्मूला के। तब तक के लिए जय हिंद।